21 नवंबर 2020, थोड़ी सी जाने में बंदर भोज में विलम्ब हुआ तो धूप आ गई है, वरना धूप नहीं पड़ती है इसके ऊपर जब। और इधर सुबह के जो ब्रह्म मतलब प्रातःकाल की जो लाइट पड़ती है तो और इसमें सफ़ेदी झलक जाती है। इसलिए बार बार बनाते हैं कि कुछ अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो हो सके, समझ गए। अब देखो ये आपने ये छटा देखी है, देख रहे हैं, एक इधर भी देखिए, भी अपने स्वभाव पर है ये, इनके ऊपर लाइट कम पड़ती है इसलिए इनमें फूल कम आए हैं। ये पुराना पेड़ है, सबसे पहले इसे इनमें फूल आया था, ठीक। ये देखो, देख रहे हैं, अब देखिए नारियल, वो फूल आ रहा है नारियल में, थोड़ा ये इसको करेंगे, ये इसको करें, ऐसे बढ़ गया नहीं, ये छोटा हुआ, ऐसे करो दो, हाँ ये बढ़ा, ये देख रहे हैं आप, देखिए नारियल में फूल बटिया है। आजकल नहीं है ये, जून के महीने में निकलता है, जून का काम आजकल हो रहा है। कितने सातवें आसमान में है ये, छोटे छोटे हरे हरे नारियल आप देख रहे हैं, ठीक। कितनी दूर रहा पेड़, क्लोजअप में बना के दिखाया आपको, ठीक है। ये सब अकेले जादू की छड़ी करने वाले करके दिखाते हैं। जैसे मोदी जी के बारे में मैं सोचता हूँ कि कहीं भूटान का मामला, कहीं लद्दाख का क्या 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 होना, मतलब कितनी लद्दाख में कितना बड़ा काम हुआ लद्दाख के लिए, भूटान के लिए है, जो कितनी योजनाएं यहाँ की, योजना रोज योजना योजना योजना, अरे सारा सारी योजनाओं का ठेका मोदी योगी ने ही ले रखा है, हैं? और लोग मर गए थे, जिंदा नहीं थे कोई, हैं? कितने बड़े बड़े काम, जो मतलब करोड़ों तक उसका लाभ पहुंचता है, करोड़ों लोगों तक, हैं? हमको तो फूटी कौड़ी का लाभ कुछ भी नहीं मिला आज तक, तो हम रोना रोए बैठ के, हैं? तो हम तो स्वार्थी हो गए, हम तो कुत्ते हो गए, हमको अपना स्वार्थ नहीं देखना, हम मनुष्य हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, समझ गए, हमको अपना स्वार्थ नहीं देखना, हमको देश का भला देखना है। देश का भला होगा तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा, हमारे औलादों का भला होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। तो यही मैं कहता हूँ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। चलिए अब रोटी दिखाओ मैं आपको, चल के हम तैयारी हो गई, शनिवार है आज। अब देखिए बंदर भोज की तैयारी, निकलने में विलम्ब हो गया, अब ये सब देखिए रोटी, रोटियां देख रही हैं, हमारे घर की रोटियां बनी हुई हैं सर, ये तो बाहर से आती हैं सब जली खुली, लाख समझाओ लेकिन उनके बात समझ में नहीं आती है। आज कितने साल बीत गए समझाते समझाते कि जली हुई रोटियां बंदर नहीं खाते, हमारी रोटी में आप कहीं देख रहे हैं जला हुआ ना, खूब मोटी मोटी हाथ से, जैसे हाथी का रोट बनता है ना, यह करके चटे पीछे से रखें, सब बंदों को बढ़िया भोजन मिल जाता है। चना रखा है, कितना बेकूफों को मैं कहता हूँ कि गांठी ऐसा मत लगाए करो, जहाँ देखो गांठ लगी, इसमें तो कुछ गनीमत हमको लग रहा है ना, दो घंटा आप गांठ खोले हैं, शाम को शुक्रवार को आ जाता है, धरा है 3 पैकेट में, इसमें भी जली हुई है, कितना हमने वीडियो बना दिखाया है, हैं? क्या किसने वीडियो देखा नहीं देखा, सब रोटियां जली हुई, सब ऐसे ऐसे जली हुई, लाख आप हम लाख वीडियो बना में लाख देखा में, क्या मन से लोग गंदे होते हैं, इसलिए हनुमान जी इनकी सेवा नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उनको मार्ग से भटकाते हैं। अरे यथार्थवादी बनो, यथार्थवादी बनो, जो सोचो अच्छा सोचो, है? सोचो कि हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए हमने आपको ये दिखाया और
निकाले मुठ स्कूटर वहाँ से और स्कूटर धोने की नौबत नहीं आई तो नहीं आई, कहाँ रखें इसको, हम इसको ऊपर रख दें, सब छानी छपरा बनाने को पड़ा हुआ सब, कल तीन इसमें झिल्ली बांधा, कम से कम तीन चार आठ अमरूद तो मिल जाए, दो चार दस, कल झिल्ली सब छेद कर करके चारों तरफ से सुराख किया ताकि हवा जाता रहे, अब यहाँ सीढ़ी लगा के एक दो तीन अमरूदों में वहाँ भी ऊपर बांध दें, वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है, जब ये पूरे सबाब पर पकेंगे, चिड़िया न काटे, यहाँ सब लेबर आए, लेबर सब तोड़ तोड़ के किए, तो समझिए कि ये वो देखने वाला अमरूद होता है ना। अब इसकी भी मरम्मत करवानी है, सब थाला बने, खाद पानी मिले, जो करें हम ही करें सब, ठीक है। चले साहब, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।